हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर बर्फी की रेसिपी। गाजर का हलवा तो सब बनाते ही रहते हैं, तो आज हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। आज हम गाजर की बर्फी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाजर की बर्फी को बनाने के लिए हमें लेने होंगे 500 ग्राम गाजर घिसा हुआ, एक बाउल चीनी, एक बाउल मावा, 1/4 टेबल स्पून छोटी इलायची पाउडर, काजू बारीक कटे हुए, बादाम बारीक कटी हुई और घी। गाजर की बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लेंगे और गरम होते ही हम इसमें गाजर डाल देंगे और साथ ही साथ चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद इसमें से पानी निकलने लग जाता है, तो हमें पानी सूखने तक इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो ये चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, ये देखिए, और पानी भी इसमें से निकल रहा है। तो हमें इसे 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाना है और बीच बीच में चेक भी करते रहना है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। और हमें इसे कवर करके नहीं पकाना है, ऐसे ही खुला ही पकाना है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी और मॉइस्चर बाकी है, तो और 5-6 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। तो अब इसकी पानी लगभग सूखी गई है, तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे इन सब में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम 5-6 मिनट के लिए गाजर को घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अब हम ये मावा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और मावा को भी इन सब के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे 5-6 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए। अभी इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब इसकी सारी मॉइस्चर ख़त्म हो गई है, तो अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगी, तो इसीलिए कंटिन्यू चलाते रहना है। तो अब ये अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है, तो इसमें हम छोटी इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो अब ये देखिए, इसमें से एक्स्ट्रा सारा मॉइस्चर सूख चुका है, तो इसी तरह से अच्छे से सुखा लेना है, तभी गाजर की बर्फी अच्छी बनेगी। तो ये हमारा बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो अब हम गाजर की बर्फी को जमाएंगे। उसके लिए हम ये सारे गाजर के मिक्सचर को ये प्लेट में डाल देंगे। अब इस तरह से दबा दबा कर प्रेस करेंगे, एक जैसा कर लेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का मैंने इसे बना दिया है। अब ऊपर से हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। पहले काजू डाल देते हैं, अब बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसे इस तरह से ऊपर से दबा देंगे
ताकि ये चिपक जाए ड्राई फ्रूट को बर्फी के अंदर। तो अब इसे जमने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही। तो अब 4 घंटे हो गए हैं, ये देखिए ये टाइट हो गई है, तो इसे काट लेंगे और बर्फी का शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा गाजर का बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे फ्रीज में रख कर 6-7 दिनों तक इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर।